कोली, ए कोली कोली, चौका मार ना चौका, क्या कर रहा है? ए कोली, चौका मार। कोली, ए कोली कोली, चौका मार ना चौका, क्या कर रहा है? ए कोली, चौका मार। So guys, doing another session of a little bit of strength and mobility, and look who I have with me. Working out like a boss. Having fun in the gym, and she's killing it. She's been going on and on and on. She can do more cardio than me. Strong. This is what quarantine does to you. You allow things like this to happen. And you're getting your hair cut with kitchen scissors. This, can you see this gradual fade? Nice. It's a new look I've created. Yeah. All pretty, yeah, they were. Beautiful haircut by my wife. She's continuing her great work.
कोरोना वायरस के साथ जंग जीतने में समय लगेगा, हौसला लगेगा और सबसे ज्यादा लगेगा आपका संयम और जिम्मेदारी अगले 21 दिनों के लिए। कीजिए कुछ अहम चीजें कोरोना वायरस को दूर रखने के लिए। घर पर ही रहिए, अपने आप को और अपने परिवार को बचाइए कोरोना वायरस से। कर्फ्यू का उल्लंघन ना करें, ये महत्वपूर्ण है कोरोना वायरस को रोकने के लिए। घर से निकल के मोर्चा बनाकर या शोर मचा के कोरोना वायरस से जंग नहीं जीत पाएंगे। अंधविश्वास या अफवाह पे गौर करने से कोरोना वायरस से जंग नहीं जीत पाएंगे। आपकी एक लापरवाही की वजह से हम सबको और पूरे देश को चुकानी पड़ सकती है बहुत बड़ी कीमत। 21 दिनों तक इंडिया को घर पर रहना है और भारतवर्ष को बचाना है। एकता दिखाइए, जीवन और देश बचाइए। वी नो वी आर ऑल गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड द ओनली वे टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इज बाय एक्टिंग टुगेदर। We are staying at home for our safety and for everyone else as well. And you should do it too, to prevent the further spread of the virus. Let's make it safe for us and everyone else by self-isolation. Stay home and stay healthy. Namaskar, मैं विराट कोहली आज आपसे एक भारतीय खिलाड़ी के तौर पे नहीं पर एक भारतीय नागरिक के तौर पे बात कर रहा हूँ। जो कुछ मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा, लोगों की भीड़ सड़कों पे, झुंड में घूमते लोग, कर्फ्यू का पालन ना करना, लॉकडाउन का पालन ना करना, ये सब देख के मुझे ऐसा लगा कि हम इस लड़ाई को बहुत ही साधारण तरीके से देख रहे हैं और ये लड़ाई उतनी साधारण नहीं है जितनी हम लोगों को दिखती है, हम लोगों को महसूस होती है। तो मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है आज कि प्लीज़ 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 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसको फॉलो करें। जो भी सरकार ने हमको डायरेक्टिव्स दिए हैं, जो भी चीज़ें करने को दी हैं, उसको प्लीज़ प्लीज़ बहुत ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। ये सोचें कि अगर आपके परिवार में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आपकी लापरवाही की वजह से तो आपको कैसा महसूस होगा। तो प्लीज़ हमारी सरकार, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय पर इस चीज़ के लिए और ये चीज़ तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब हम लोग भारतीय नागरिक होके अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएं। मस्ती मजाक करने के लिए रोडों पे निकलना, इस माहौल का फायदा उठाना मेरी नज़र में अपने देश से ईमानदारी नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ मिलकर ये चीज़ ठीक होने देखना चाहता हूँ और मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि प्लीज़ जो भी सरकार हमें कह रही है करने को उस चीज का पूरा पालन करें। जय हिंद। यहाँ पे आज हम दोनों ही सिर्फ अवार्ड्स और जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमको बहुत खुशी है कि ये अवार्ड्स हो रहे हैं और
ऑनर्स हो रहे हैं और ये बच्चों को जिनको स्कॉलरशिप मिलती है उनके लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है, इस चीज़ को हमको रिकग्नाइज़ करना चाहिए। तो ये बाकी चीज़ों के बारे में बहुत टाइम होता है बात करने का, हम लोग इंडिविजुअली भी करते रहते हैं, लेकिन आज अगर इस पर फोकस करेंगे तो अच्छा है। गुड इवनिंग। आई थिंक मैं इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड इससे जुड़े हुए हैं, एंड आई थिंक ये बहुत ही एक यूनिक इनिशिएटिव है जहाँ पे आप अपकमिंग टैलेंट को, एथलीट को जिनमें बहुत हुनर है, बहुत कैपेबिलिटी है, आप उन्हें एक बैकिंग देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, स्पेशली ऐसे स्टेज पे देते हैं जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई थिंक विराट ने मुझे बहुत रीजंस दिए टू बी वेरी प्राउड ऑफ हिम, बट दिस हिज फाउंडेशन एंड हिम गिव मी अनदर रीजन टू फील प्राउडर बिकॉज ऑफ द वर्क दैट दे बीन डूइंग अंडर द फाउंडेशन। एंड आई थिंक सारे स्पोर्ट्स को आप कवर करते हैं एंड दैट इंक्रीजेज योर स्पोर्टिंग कल्चर एंड यू नो द लव दैट इंडियंस हैव फॉर स्पोर्ट्स एंड इट पुशेस दैट फॉरवर्ड। थैंक यू।